हमारे अली भाई अदा भी अकरार कल के जो हादसा हुआ ना खुदा की कसम हमने चाय नहीं पी चाय पेश की तो मेरे भाई ने फरमाया कि लोग एक चाय की प्याली पे फिर चाहते हैं हमें सुन्नत में दर्द है हमने कहा कमीशन साहब हम यहाँ चाय पीने नहीं आए तुमसे सवाल करने आए हैं कल जो हुआ उसकी रिपोर्ट हमें पेश की जाए अदा तो अब कयादत खादिम अजीज भी करके बताया मैंने कराची कमिश्नर से कहा कमिश्नर साहब ये अहले सुन्नत का लावारिस है अहले सुन्नत का यकीम है जो इस तरीके से जुल्म तशद्दुद किया गया है मैंने कहा इनका वारिस मैदान में आ गया है वो खादिम हुसैन रिजवी है हमने चाय नहीं पी जो साफी लोग वहां बैठे थे वो देख रहे थे क्यों चाय पी लोगे मुरब्बत आ जाएगी मैंने कहा जिसका खाते है ना बात उसी की करेंगे मैंने कहा जिसका खाते है ना बात उसी की करेंगे हम यहाँ पर खड़े हुए ना तो अवाम ने हमें खड़े किया है हम बगैर नहीं है कि वहां पर हमारे कितने कारकुन जख्मी हो जाए और हम कमीशन की मीटिंग में चाय पी रहे हो मैंने कहा ये चाय तुम्हें मुबारक हो हमें बताओ एन एस सुन को क्या नवारी सुझा था एन एस सुन के मजदूर थी एन एस सुन के यकीन थी मैंने कहा कमीशन कराची साहब आप सुन लीजिए एन एस सुन का वारिस मैदान अमल में उतर चुका है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है एक वजीर को बचाने चले थे सारी हुकूमत जाएगी अभी तुम क्या समझ रहे थे तुम क्या समझ रहे क्या तुम क्या लॉलीपॉप देते रहोगे लॉलीपॉप देते रहोगे शिख निकाल दी तुम क्या समझ रहे थे बोलेगा नहीं अबे अहले सुन्नत या आमीन को तुमने अभी देखा नहीं है अभी एक हिजरी शेर आया है अभी देख होता क्या है सोच रहे थे बाबा करेगा क्या बाबा ने वो करके दिखाया तो तुम्हारी नस्लें भी नहीं सो सकती थी बाबा जी तेरी अजमत पे सलाह तेरी जुर्रत पे सलाह तुझे लोगों ने खरीदना बहुत चाहा था तुझ पर लोगों ने टीचर बहुत डालना चाहिए थी लेकिन वरफाना का जिक्रा का विम तेरी जबान पर था अदाकर का लोगों ने तुझे गिराना बहुत चाहा था लेकिन गिरा नहीं सकते थे जिसे मुस्तफा बुलंद कर दे जिसे मुस्तफा बुलंद कर दे उसे कोई गिरा नहीं सकता है क्योंकि बाबा जी ने अपनी साथ की बात नहीं की थी बाबा ने बात की थी तो मदीने के कायदा की बात की थी अदा करो ना अभी आप लोगों को ठंडा नहीं होना ये मुस्ताफी हो जाए इनकी हुकूमत खत्म हो जाए फिर हम घर चले जाए 2018 का इलेक्शन आए फिर वोट हम बैठकों को दे दें फिर फायदा क्या इतनी मेहनत का फायदा क्या मैंने कहा अगर जो रूम ली तो वोट देगा ना उससे बड़ा कंजर कोई नहीं होगा उससे बड़ा बगैरत कोई नहीं होगा क्योंकि जो शहीद हुए ना हमने उनके चेहरों को देखे हैं उनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं और देखकर जा रहे हैं हमने तो वफा कर दी अभी हमने भी वफा करनी है हमने वफा कर दी है तुमने भी वफा करनी है तो 2018 का जब इलेक्शन आएगा ना अब जो नूनियों की गोद में जाकर बैठे या नूनियों के साथ खड़ा हो या नूनियों को वोट दे अदा तो कर उससे बड़ा बगैरत कोई नहीं अब वोट मिलेगा या रसूल अल्लाह कहने वाले को लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
تنظیم کا ہوگا، لیکن کہے گا یا رسول اللہ تو سننے کا ووٹ صرف سننے کے لیے ہے، اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، اب ہم اپنی دادا شو کروائیں گے۔ بولو کیوں سنی تیری لکھائی کرا سلیم قادری نام کلا پیشاب کرتے ہو تو فرما دو کہ سنیوں کے مجھے ہو، اگر تم نے پیشاب کر دیے بھیج دیں گے، لوگ کہتے ہیں پیشاب کب کریں گے، میں نے کہا اب کرنا شروع کر دیا، اب بہ رہا ہے، اب صرف ووٹ یا رسول اللہ، اب ووٹ یہ دھنے جب ہمارے قائد حکم دے دیں گے جب دھنے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد 2018 کی تیاری شروع کرنی ہے، بتا دیا کر اگر 2018 میں ہم نے بھرپور زور لگا دینا اپنے ہی لوگوں کو لانا ہے، اسمبلیوں میں ہمارے لوگ، سینیٹر میں ہمارے لوگ، پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ، جب پہنچیں گے نا یار اپنی بات ہوگی، پھر وہاں پر مصطفیٰ جان اور احمد بلا کو سلام بھی پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، بالکل پڑھا جا رہا ہے، ادا دے کر کیوں اب وہ سورج گرم ہو رہا ہے، وہ دنیا دیکھے گی کہ قائد ملت اسلام علامہ شاہ مدرانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو تحت آئین بنا کر اہل سنت کو دیا، وہی امت کو دیا، اب اہل سنت بتائے گی نورانی آپ نے وہ قائد بنا کر اہل سنت کو دیا تھا، اب تحفظ کرنے والے اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں، اب اس آئین کو کوئی چھڑے گا نہیں، اس آئین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔